Today, I will teach you Geography, Chapter 5, Class 8th, and our chapter name is Industries. Udyog. Have you ever given a thought to the fact that on the notebook? यू यूज फॉर राइटिंग हैज समू यू ऑफ़र अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ अ ट्री बच्चों इसमें क्या कह रहा कि क्या आपने कभी ये विचार किया कि जो आप लिखने की अभ्यास पुस्तिका है कि आप जो इसे इस्तेमाल में लाते हैं वह किस तरह से बनाया गया उसकी कितनी लंबी प्रक्रिया के बाद ये आपके पास पहुंचता है इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है किससे होती है इट स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ अ ट्री इट वॉज कट डाउन एंड द ट्रांसपोर्टेड टू द पल्ब मिल दे वुड ऑफ द ट्री वाज प्रोसेड एंड कन्वर्टेड इन टू वुड प्लब वाज मिक्स विद केमिकल्स एंड फाइनली चेंज इन टू द पेपर बाई द मशीन दिस पेपर फाउंड इट वे टू द प्रोसेस वेयर इंक मिड फ्राम द कैमिकल वॉज यूज टू प्रिंट द लाइन्स ऑन द पेज द पेज वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ द नोट बुक एंड पैक्ड एंड द सेंड टू द मार्केट फॉर सेल फाइनली इट इज रीज योर हैंड तो इससे जो मैंने आपको बताया कि कैसे बनती है ब्रिज इसकी शुरुआत ब्रिचों से होती है पहला उससे पहले ब्रिच को क्या कहता है कि ये पलों से काटा जाता है लुगदी मिल तक ले जाया जाता है वहाँ वृक्षों को लकड़ी को सं सन, वो संसाधित एक काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है ठीक है और फिर उसके बाद क्या किया जाता है जो काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है यह कागज प्रेस में आ, काम प्रेस में जाता है जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने के लिए जो आपकी नोटबुक होती है उसमें देखो लाइनिंग होती है ना उस लाइनिंग से केमिकल के द्वारा कलरफुल उसके द्वारा किया जाता है इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांध दिया जाता है मतलब बैंडिंग कर दिया जाता है फिर पैक करके बिक्री के लिए बाज़ार में भेज दिया जाता है अंत में यह आपके हाथों में पहुँचती है सबसे लास्ट में आपके हाथों में पहुँचती है जो आपको ईजिली लगता है कि बस कोई भी पेज होता है फट्टे से फाड़ लेते हो कुछ भी मांग कोई भी टीचर पेज मांगे तुरंत फेयर कॉपी के पेज फाड़ के दे देते हो तो आप सोचो पहले इसको बनाने में कितना प्रोसेस लगता है पहली बात जो आप जो है जितना ज़्यादा मिस करोगे पेपर का उतना ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो इसलिए पेपर का मिसयूज भी नहीं करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये अपनी कॉपियों में जो नीचे जगह बची रहती है आप छोड़ देते हो आप वहीं से जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर लो ठीक है ये सब आपको करना चाहिए पेपर को सेव करना चाहिए आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और और द मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द मोर वैल्यू टू पीपुल एज यू हैव सीन प्ल पल्ब व चेंज इन टू द पेपर एंड पेपर इन टू अ नोटबुक दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब दृढ़ीयक ये सेकेंडरी में होता है द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादकों के रूप में परिवर्तित किया जाता है जैसा कि आपने देखा लुग्धि कागज के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में ये विनिर्माण प्रक्रिया की दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं ठीक है इसमें द पेपर मेड फ्रॉम द पल्प एंड द क्लोथ मेड फ्रॉम द कॉटन हैव हैव हैड वैल्यू एडिड टू देम एट द ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड द यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल्स दैट इट इज मेड मतलब इसका क्या होता है इसमें uh, प्रकार से जो है पेपर को क्या किया जाता है उसकी लुगदी बनाई जाती है फिर उसको वहाँ पे उसमें कॉटन में ऐड करके इस उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है फिर इस प्रकार से प्रोडक्ट को और वैल्यूएबल यूटिलिटी दे के उसको मटेरियल डाल के उसको बनाया जाता है अब आता है आपका इंडस्ट्री इंडस्ट्री में उद्योग इसका देखिए इंडस्ट्री रिफर टू तो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डैट इज़ द कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एक्सटेक्शन ऑफ द मिनरल्स टू ऑफ़ द प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज वी हैव आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री गुड कोल माइनिंग इंडस्ट्री एक्सटेंसन ऑफ द और कोल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइडेड प्रोवाइडर देखिए उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है मतलब इकोनॉमिक से है जो वस्तुओं की उत्पादन खनिज के निष्करण तथा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित तथा पर्यटन सेवा जो टूरिज्म देने से संबंधित है आप देखिए इसका क्लासिफिकेशन ऑफ द ये जो है इंडस्ट्री तो इसमें देखिए इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल साइज एंड ओनरशिप जो आपका उद्योग का वगैरह कच्चा माल आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है देखिए रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं आप इसको पढ़िएगा अपने से इंडस्ट्रीज बी द बी एग्रो बेस्ड मिनरल्स बेस्ड मैराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल्स दे यूज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लान्टनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज दियर राटेरियल्स तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित खनिज आधारित समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं आप देखिए जो है ये जो आपका है एग्रो आधारित कौन सा है जो ये आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इसमें आप कच्चे माल के रूप में वनस्पति जंतु आधारित उत्पादन का उपयोग करते हैं खाद वनस्पति तेल सूती वस्त्र डेयरी उत्पादन और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं अब आपका आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ इसमें प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं इन उद्योगों के उत्पादन अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं अयस्क के से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है यह कई अन्य उत्पादकों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जैसे भारी मशीनों भवन के निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में तो बेटा देखो मिनरल्स जो होते हैं वो कहाँ आपकी यूज किए जाएंगे वो आपको किन प्रोडक्ट को बनाने में किए जाएंगे जैसे आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हुआ आयरन की इंडस्ट्री हुई ये सब चीज़ों बनाने में यहाँ मिनरल्स का यूज किया जाता है मिनरल मैराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज और समुद्र आधारित उद्योग कौन से हैं सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादकों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण के कुछ उदाहरण है जो मछली के तेल होते हैं वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पादन का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं लुग्दीओम कागज औषध रसायन फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं अब देखिए इनका साइज आप इनका साइज तक पढ़ाएंगे साइज क्या होता है उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा जा सकता है लघु आकार के उद्योग और वो मतलब स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज दो होते हैं और ये जो है ये जो ये वृहत कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसे दस्तकारों द्वारा और उत्पादकों का निर्माण हाथ से होता है टोकरी बुनाई मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं कुटीर उद्योग को घरेलू उद्योग भी कहते हैं ना बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त तो जो प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होता है रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग